सॉफ्टी मदर डेरी की। सर्दियों में अलग ही मजा है आइसक्रीम खाने का। गाइज आ गए हैं हम अभी लाल किला और देखिए शाम का वक्त हो रहा है। इस वक्त अच्छा मौसम है बहुत, और लाइटिंग का अगर मजा देखना है भारत पर्व पे झांकियों का तो शाम का वक्त बहुत अच्छा है, मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा था गूगल पे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके की लाइटिंग है अंदर झांकियों में। और ये रास्ता है देखिए जाने के लिए, वहां देख रहे हैं वहां पर है सारी झांकियां। तो इधर से अभी हम पूरा पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं भारत पर्व जहाँ पर सारी झांकियां हैं, और इस तरफ पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। तो आइए चलिए चलते हैं, आइए। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल हर्ष शर्मा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड जो लाल किले के ठीक सामने है। यहां पर हो रहा है भारत पर्व, और ये 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी जो है लास्ट इसका डे है। मैंने जो ये शूट किया है सेकंड लास्ट डे किया है, और जब आप वीडियो देखेंगे तो ये भारत पर्व ख़त्म हो चुका होगा। आप अब नेक्स्ट ईयर आइएगा, और इस ईयर का कैसा ये इस आयोजन किस तरीके से किया था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को हैं, सारा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कि अगले साल अगर आप आना चाहें तो आप इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ये होगा तो कितना बेहतरीन होगा, और यहाँ जाना कितना वर्थ इट है। देखिए 26 जनवरी को परेड आती है फ्रेंड्स, वहाँ पर झांकियाँ आती हैं, सारी वही झांकियाँ यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगी हुई हैं। एक एक करके मैं आपको सारी झांकियाँ दिखाऊँगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हैंडलूम्स के स्टॉल्स भी हैं, और फूड के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है ना भाई, फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स का फूड भी देख खाने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी हैंडलूम का बताया, ये देखिए हैंडलूम के स्टॉल पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग, सारा जो है हैंडीक्राफ्ट इंडिया का जो है पुराना जो कहते हैं ना बिल्कुल ट्रेजर ऑफ इंडिया, तो जो धरोहर है देश की वो आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने जो देख रहे हैं ना ये गेट, आप ये एंट्री गेट है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं, कम से कम 3 से 4 गेट हैं। और देखिए जी, बहुत बड़े एरिया में ना ये भारत पर्व बना है। और फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनक्रेडिबल इंडिया, देखिए जिस तरीके से भारत का, हमारे देश का टूरिज़्म बढ़ गया है, और हम भी टूरिज़्म के अंडर आते हैं, हम भी टूरिज़्म के लिए काम करते हैं, तो इनक्रेडिबल इंडिया का ही यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये एक झांकी से शुरू किया है हमने, जूनागढ़ और अशोका पीरियड की ये झांकी बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत एकदम जो नक्काशी है वही पुराने वक्त की है। और अब जो है ना क्रिएटिविटी का लेवल इतना हाई हो गया है फ्रेंड्स, मैं बचपन से जो है ना ये झांकियां देखता आ रहा हूँ, और ये फूलों वाली झांकी तो मैंने बचपन से देखी है, ये पहले भी उतनी सुंदर थी, अब इसकी सुंदरता और ही बढ़ गई है। और जो भी कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो है ना एक एक चीज़ों में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये G20 वाली झांकी है, और इसमें देखिए आप डिटेलिंग कितनी की हुई है हर झांकी, मतलब आप इसमें ना एक बेस्ट चुनना मुश्किल है।
अगर मैं आपसे शर्त लगाऊँ ना कि आप बताइए कौन सी आपको बेस्ट लगी, आप हर बंदा अलग झांकी को बेस्ट बताएगा, कोई भी किसी से यू नो एग्री नहीं होगा कि ये वाली अच्छी है, क्योंकि हर झांकी बहुत सुंदर है। अब उत्तर प्रदेश वाली देख लीजिए आप, राम मंदिर बना है, हमारे रामलला का मंदिर बना है, तो देखिए राम जी हैं, और अभी नई मेट्रो आई है, रैपिड मेट्रो आई है, तो मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया को इन्होंने अपना स्लोगन बनाया यूपी की जो झांकी है, और मतलब एक चुनना मुश्किल है, बहुत सारी बहुत सुंदर हैं। और मैंने बिल्कुल ठीक सुना था, पढ़ा था आर्टिकल में कि रात को यहाँ पर मज़ा है, रात को यहाँ पर अपना ही मज़ा है, हर जगह लाइटिंग, और देखिए सामने स्टेज पे जो है ट्रेडिशनल डांस चल रहा है, और क्या मज़ा आ रहा है बिल्कुल एकदम। तो ये अच्छा है कि दिन में तो चलिए अच्छा लगेगा ही, बट रात को लाइटिंग का मज़ा ही अपना है, तो आप इंजॉय कीजिए। सो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, खाने के स्टॉल्स पे आ गए हैं जी हम, और साडा पंजाब से हो गई है साडी शुरुआत खाने की। और देखिए, अगर आप फूडी हैं, जैसे कि भैया मैं तो बहुत फूडी हूँ और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड लेके आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स का फूड ट्राई करने को, खाने को ज़रूर मिलेगा। पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के स्टॉल के सामने हैं इस वक्त हम, गोल गप्पे से लेकर के कहीं भी आप कोई भी हमारे देश का कोई भी खाना खाना चाहें, आप सारा खाना आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। राजस्थान के स्टॉल पे आप देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल रही हैं दाल की, प्याज की, आलू की। और केरला के स्टॉल पे हैं तो यहाँ पर आपको फ़िश खाने को मिलेगी। लद्दाख के स्टॉल पे आपको यहाँ के जूसेस, यहाँ शक्करकंदी और पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ वैरायटी थी। और देखिए गोवा के स्टॉल पे हम, यहाँ पर आपको फ़िश थाली मिल जाएगी खाने के लिए, फ़िश खाने के शौकीन हैं आप। और देखिए बिहार के स्टॉल पे हूँ मैं, आपको लिट्टी चोखा यहाँ पर बहुत खा रहे थे लोग। तो इस तरीके के हिस्से के साथ साथ आपको देखिए स्टूडियो किचन देखने को मिलेगी, आप लाइव कुकिंग किस तरीके से करते हैं शेफ़, बैठ के आप देख सकते हैं, उस तरीके से डेवलप किया गया स्टूडियो किचन का कॉन्सेप्ट। और देख रहे हैं आप कितना कलरफुल लग रहा है, रात को भी एकदम ऐसा लग रहा है दिन निकला हुआ है, इतनी लाइटिंग सब जगह हो रखी है। और यहाँ पर देखिए बैठ के खाने के लिए भी जो है ना, यहाँ पर जगह बनी हुई है, आप बैठ के भी खा सकते हैं, और खड़े होने के लिए भी ये राउंड टेबल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। और देखिए आज जो है बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, आप जैसे कि देख रहे हैं, तो शाम के बाद अगर आप आएंगे तो आपको क्राउड भी जो है मेरे हिसाब से तो लिमिटेड मिलेगा, बिकॉज़ मुझे लगता है दिन में ज़्यादा क्राउड आता होगा, शाम को लोग, क्योंकि सर्दी का टाइम है, शाम को लोग कम आते हैं। और देखिए चाय कॉफ़ी तो ना यहाँ पर हर स्टॉल पर चाय कॉफ़ी तो कॉमन है, आपको ज़रूर मिलेगी, तो इसके लिए ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर स्टॉल पे अवेलेबल है। देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आप यहाँ का फूड खा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप झांकियों का भी इतना शौक़ नहीं रखते, तो खाने पीने का रखते हो, तो आप खाने को इसको एक फूड फेस्टिवल समझ के आ जाइए कि यहाँ पर इतनी ऑप्शंस हैं फूड की खाने की, तो आपके लिए एक तरह से ये फूड इवेंट हो गया। तो इन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स वीडियो, और एंड तक देखना आप वीडियो ज़रूर। और जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा गाइस, फूड और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ अगर म्यूज़िक परफॉर्मेंस में आप बहुत रुचि रखते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि रामलला के बहुत अच्छे अच्छे भजन यहाँ पर गाए गए, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने यहाँ पर। और देखिए कुछ और स्टॉल्स मैं आपको, सॉरी झांकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेघालय की थी, और ये देखिए ये भी सामने एक झांकी है, बहुत खूबसूरत, देखिए रिवॉल्विंग गोल गोल घूम रही है,
बहुत सुंदर लग रही है और हर किसी के हाथ में मोबाइल कैमराज हैं, हर कोई जो है यहाँ पर रील्स बना रहा है, लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर। एंड मैंने भी बहुत इन्जॉय करा फ्रेंड्स, आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और लव्ड वंस के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस भारत पर 2024 का बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स, और मैंने और मेरी फैमिली ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय करा। और मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगले साल ये भारत पर्व होता है तो ज़रूर अपने फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर जाना, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और खाने पीने के शौकीन है तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कितना कुछ यहाँ पर फूड अवेलेबल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।